गोल्डन आवर्स का अपना एक अलग ही ऑरा होता है जो मैंने अपने ट्रिप में हमेशा से ही मिस किया है। बट नाउ इज द टाइम टू चेंज थिंग्स अप एंड एक्सपीरियंस द मैजिकल आवर्स। गुड मॉर्निंग गाइस, अब मैं आ गई हूँ पिरामिड लेक के यहाँ पे और अब बज रहे हैं 7:09 और अब सूरज मामू का वेट किया जा रहा है यहाँ पे। पता नहीं अब कब दर्शन देंगे, शायद से 1-2 मिनट में ही सनराइज हो जाए। तो चलिए अब वेट करते हैं और अच्छा सा फुटेज आज हम कैप्चर करने वाले हैं सनराइज का यहाँ पे। कनाडा के अल्बर्टा प्रोविंस का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जैस्पर नेशनल पार्क। ये पार्क बैन्फ से लगभग 3.5 घंटे की दूरी पे है। ये पार्क की एंट्री $10 से शुरू होती है। जैस्पर सीनिक ड्राइव्स, ब्यूटीफुल लेक्स, ग्लेशियर्स, रॉकी माउंटेन्स और वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। आइए अब बात करते हैं पिरामिड लेक के बारे में। पिरामिड लेक पिरामिड माउंटेन्स के बेस पे है और जैस्पर का ही पार्ट है। देखिए अभी धीरे धीरे सूरज की रोशनी क्लाउड्स के ऊपर जा रही है और सारे ये जो क्लाउड्स हैं अब ये पिंक कलर के दिखना शुरू हो गए हैं और जल्दी ही हमें सूरज थोड़ा और ऊपर दिखाई देगा। पर क्योंकि आज का वेदर क्लाउडी है थोड़ा, तो इसके लिए शायद से हमें क्लियरली नहीं दिखे। पर देखते हैं, मैं आई हूँ यहाँ पे 6:30 बजे से वेट कर रही हूँ सनराइज होने का, तो कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए आज के दिन। देखिए यहाँ पे लेक कितना शांत है, मेरे आसपास में ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ 2-4 ही लोग आए हैं जो सनराइज़ के शौकीन हैं। जैसे कि आपको पता है मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, पर आज सनराइज़ देखना था और ये जो कुदरत का करिश्मा है इसको भी एक्सपीरियंस करना था, तो इसीलिए आज मैं 4:30 बजे उठी हूँ और तब से अपनी भागा दौड़ी चल रही है ताकि मैं ये जो करिश्मा है ये देख पाऊँ यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर रेनबो भी है, पर मेरे पास में इतना अच्छा कैमरा नहीं है कि मैं वो रेनबो अच्छे से कैप्चर कर पाऊँ, पर मैंने कोशिश तो की है, तो मैं वीडियो में ज़रूर एक छोटी सी क्लिप ऐड करूँगी, तो आप ट्राई करना कि आप रेनबो आइडेंटिफाई कर पाए उसमें। और अब मैं आ गई हूँ पैट्रिशिया लेक के यहाँ पे। देखिए व्यू मेरे सामने का कितना पीसफुल है। माउंटेन्स के ऊपर स्नो है, सूरज की रोशनी है, लेफ्ट साइड में क्लाउड्स है, लेक है और आवाज़ आ रही है पानी की। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। मेरे शब्द यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, पर ये एनवायरनमेंट में आके यहाँ पे बैठ के महसूस करना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फीलिंग ही कुछ और है। आज मैंने अपने ज़िंदगी में एक नई चीज़ को एक्सपीरियंस किया है जो मेरे लेट उठने के वजह से हमेशा से ही मिस होते आया है। इन खूबसूरत पलों के साथ करती हूँ आपको अलविदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।